हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 फ्रेंड्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, साथ ही साथ इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को भी लर्न कर लिया था। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस चैप्टर में गिवन एक्सरसाइजेस से, जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 58 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 58 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स पेज नंबर 58 पर आप सभी को हेडिंग मिल गई होगी एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सो स्टूडेंट्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन में जो हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, दैट इज डैश इज न्यू टू द स्ट्रीट। डैश इज न्यू टू द स्ट्रीट। सो कौन गली में नई नई आई थी? और स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं मान्या और सिया। मान्या, और सिया। सो बताइए स्टूडेंट्स, कौन गली में, कौन स्ट्रीट में नया नया आया था? सो गली में जो नया नया आया था वो थी मान्या। सो आप मान्या पर टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, दैट इज दे वेंट टू डैश रूम। They went to dash room. And options is students, Sia's, या फिर मान्यास। सो
सो दे वेंट टू डैश रूम. सो वो किसके रूम में गए थे दोनों, सिया के रूम में कि मान्या के रूम में? सो वो दोनों खेलने के लिए गए थे सिया के रूम में. सो आप ऑप्शन ए सियाज पर टिक करेंगे. सेंटेंस हो जाएगा दे वेंट टू सियाज रूम. राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस पर. डैश प्लेस लूडो विद सिया. डैश प्लेज लूडो विद सिया. सो कौन सिया के साथ लूडो खेलता था? ऑप्शंस हैं ग्रैनी, एन ऑप्शन बी मम्मी. सो बताइए स्टूडेंट्स, कौन सिया के साथ लूडो खेला करता था? सो सिया के साथ लूडो खेलती थी उसकी ग्रैनी. सो स्टूडेंट्स, आप इसमें ऑप्शन ए पर टिक करेंगे, दैट इज ग्रैनी. चलिए एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस था That dash is new to the street. कि कौन street के लिए, मतलब गली में नई थी. Options हैं मान्या या फिर सिया. So student सिया का घर तो already वहाँ पर था, तो जो new लड़की थी, new girl थी, वो कौन थी? मान्या. Next, they went to dash room. They went to dash room. वो दोनों किसके कमरे में गए थे? ऑप्शन सियाज रूम और मान्याज रूम. सो क्योंकि सिया का घर था तो रूम भी सिया का ही होगा, इसलिए वो दोनों सिया के घर में गए थे, सियाज के रूम में गए थे, सियाज रूम. नेक्स्ट, डैश प्लेज लूडो विद सिया. कि लूडो कौन खेलता था सिया के साथ? सो सिया के साथ लूडो खेलती थी उसकी ग्रैनी, उसकी ग्रैंड मदर. और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो जाती है. और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज बी पर, जो कि है स्टूडेंट्स आंसर दीज क्वेश्चंस. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर दीज क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस में हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज वेयर इज सिया स्टैंडिंग. कि सिया कहाँ खड़ी हुई थी? वेयर इज सिया स्टैंडिंग. Where is Sia standing? कि सिया कहाँ खड़ी हुई थी? So students, इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे
दैट सिया इज स्टैंडिंग at her door. Sia is standing at her door. तो सिया कहाँ खड़ी थी? अपने दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी. Okay students, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु इज न्यू टू द स्ट्रीट, कि गली में नया नया कौन आया था? हु इज न्यू टू द स्ट्रीट? Who is new to the street? So, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स, मान्या इज न्यू टू द स्ट्रीट. Manya is new to the street. Okay students, कौन नया था street में? मान्या. Next आते हैं third question पर, जो कि है whose family is nice, कि किसका परिवार अच्छा था. Whose family is nice? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे दैट सियाज फैमिली इज नाइस, कि किसका परिवार अच्छा था? सिया का. सिया's family is nice, right students? So इसके साथ students ये हमारी exercise भी complete हो गई है. चलिए एक बार revise कर लेते हैं, reread कर लेते हैं इन questions को, कि किन questions का answer हमने क्या क्या दिया है. So students, हमारे इस exercise में सबसे very first question था, where is Sia standing? Where is Sia standing? कि सिया कहाँ खड़ी थी? So students, हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया that Sia is standing at her door. तो Sia अपने घर के अपने दरवाजे पर खड़ी थी. Sia is standing at her door. Right students?
चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि है हु इज न्यू टू द स्ट्रीट। हु इज न्यू टू द स्ट्रीट, गली में नया कौन था? सो हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया स्टूडेंट्स दैट मान्या इज न्यू टू द स्ट्रीट, कि मान्या जो थी वो गली में नहीं थी। मान्या इज न्यू टू द स्ट्रीट। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि है हूज फैमिली इज नाइस। किसकी फैमिली, किसका परिवार अच्छा था? हूज फैमिली इज नाइस। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया दैट सिया'स फैमिली इज नाइस, कि किसका परिवार अच्छा था? सिया का परिवार अच्छा था। और इसी के साथ एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है। और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर, जो कि है मैच वर्ड्स विद पिक्चर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर गिवन वर्ड्स को आपको गिवन पिक्चर्स से मैच कराना है। सो इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स आप सभी अपने होमवर्क से कंप्लीट करके लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं ग्रामर लिंक पर, जिसमें हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और बोला गया है कि हमें इन्हें रीड करना है। रीड दीज सेंटेंसेस, जिसमें कि फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट है नीतू इज अ डांसर। नीतू क्या है? नीतू एक डांसर है। We use is with all singular persons or things. So, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है कि नीतू एक डांसर है, और साथ ही साथ ये बताया है कि हम हमेशा सिंगुलर चीज़ों के साथ ही इज का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर चीज़ें मतलब, सिंगुलर चीज़ें मतलब एक चीज़। जब एक थिंग हो, एक पर्सन हो, तो हम यूज़ करते हैं इज। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, These oranges are juicy. Are is used with you and all plural person and things. So, यहाँ पर use किया है इन्होंने are use होता है you के साथ, नहीं तो जहाँ पर एक से ज़्यादा person हो या एक से ज़्यादा चीज़ें हों, तब हम इस्तेमाल करते हैं are. Now, third one is I am a soldier. Am is used only with I. तो नेक्स्ट है कि मैं एक सोल्जर हूँ, मैं एक सैनिक हूँ। सो स्टूडेंट्स, एम हमेशा यूज़ होता है आई के साथ, दैट्स इट। तो आपको ध्यान रखना है, इज आएगा सिंगुलर पर्सन एंड थिंग के साथ, आर आएगा यू एंड प्लूरल पर्सन एंड थिंग के साथ, एंड आई आएगा एंड एम आएगा हमेशा आई के साथ। सो ये थ्री चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, जो कि है एक्सरसाइज डी। Fill in the blanks. With is, are, or am. With is, are. और एम। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें गिवन ब्लैंक्स को फिल करना है इन थ्री वर्ड से, दैट इज आर एम। और इन तीनों के यूजेस आपको अभी बताए गए हैं कि इज यूज होगा सिंगुलर पर्सन और थिंग के साथ, आर यूज होगा यू या फिर प्लूरल पर्सन एंड थिंग्स के साथ, और जबकि एम यूज होगा ओनली आई के साथ। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है स्टूडेंट्स दैट इज ही डैश ए डॉक्टर। ही डैश ए डॉक्टर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये ही प्रोनाउन यूज हुआ है, ये ही एक सिंगुलर थिंग को, सिंगुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम फर्स्ट ब्लैंक में फिल करेंगे एस, दैट ही इज आर डॉक्टर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? ही इज आर डॉक्टर।
अब आते हैं सेकेंड सेंटेंस पर, दैट इज वी डैश देयर नेबर्स। We dash their neighbors. So students, we यहाँ पर plural person को represent कर रहा है because we means होता है हम, and अगर वो plural person को represent कर रहा है तो हम given blank में word fill करेंगे are. We are their neighbors. Right students, we are their neighbors. आगे बढ़ते हैं third sentence, that is मिस्टर शर्मा ए लीडर। सो अगेन स्टूडेंट्स, मिस्टर शर्मा एक सिंगुलर पर्सन है तो यहां पर भी हम फिल करेंगे एस। मिस्टर शर्मा इज अ लीडर। नाउ फोर्थ पे आते हैं, I dash a leader. So आपको पढ़ाया गया था that I के साथ हमेशा am आता है, तो आप इस blank में word fill करेंगे am. I am a leader. So इसी तरीके से students, आप इसके आगे के left parts complete करके लाएंगे from your homework. साथ ही साथ left exercises को भी आप अपने homework से complete करेंगे students. That's it for today. Bye bye. Take care.